हैं कि शाहबुद्दीन साहब विकास पुरुष हैं, लेकिन 5 रुपये का काम किसी दल के, चाहे वो हमारे ही दल के विधायक या सांसद क्यों ना कोई हुआ हो, लेकिन किसी ने भी 5 रुपये का काम नहीं किया। किसी के ज़मीन पर झंडा गाड़ देता है, कहता है कि ये मेरा है ज़मीन, जिला प्रशासन को हम कोटि कोटि बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि एक अप्रिय घटना। जैसे जैसे चुनाव आए, देखिए मूर्ति लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपनी भावना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ज़बरदस्ती लगाएंगे। दिलीप अम्बेडकर सिर्फ माले की बपौती नहीं है, यह हम लोगों के संविधान के निर्माता हैं, भारत के एक आदर्श पुरुष, भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे। चुनाव से पहले सिवान की राजनीति गरमाई हुई है और कल ही देखा गया सिवान के दरौली में जिस तरह से 144 धारा लागू था, क्योंकि प्रशासन तंदुरुस्त थी और वहाँ पे बाबा साहब के प्रतिमा को लगाने को लेकर माले द्वारा ज़बरदस्त वहाँ पे आंदोलन भी किया गया, उसी को लेकर प्रशासन काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही थी। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पंचायत के स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पूरे जो अति पिछड़ा जो समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के जो बैठक होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके चैनल, आपके दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और जहाँ तक सिवान का माहौल है, माले के लोग बिना अनुमति के दरौली में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाह रहे थे। हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देंगे कि जिला प्रशासन और प्रशासन के मुस्तैदी के कारण वहाँ अप्रिय कोई घटना नहीं घटी और प्रशासन चुस्त दुरुस्त था। देखिए मूर्ति लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपनी भावना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ज़बरदस्ती लगाएंगे ये बात गलत है। और माले किसी के ज़मीन पर झंडा गाड़ देता है, कहता है कि ये मेरा है ज़मीन, जिला प्रशासन को हम कोटि कोटि बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि एक अप्रिय घटना। जैसे जैसे चुनाव आएगा इस तरह का उग्र प्रदर्शन माले के लोग करेंगे। अच्छा, देखा जाता है कि जो NOC एक प्रक्रिया होती है उसके बिना ही शायद मूर्ति लगाने का कोशिश किया जा रहा है, सरकार उन्हीं लोग का है, तो क्यों नहीं सरकार से लोग परमिशन ले लेते हैं? निश्चित रूप से NOC लेना चाहिए जिला प्रशासन से और सरकार से, जो सरकारी प्रक्रिया है उसको पूरा करके। उन लोगों ने लगाया चंद्रशेखर का मूर्ति, कहाँ प्रशासन ने रोका, जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें। भी लग रहा है कि आप लोग आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए भीमराव अंबेडकर सिर्फ माले की बपौती नहीं है, यह हम लोगों के संविधान के निर्माता हैं, भारत के एक आदर्श पुरुष, भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे आदर्श पुरुषों में एक हैं। तो ऐसे लोगों को ये लोग रक्तरंजित करना चाह रहे हैं, हिंसा भड़काना चाह रहे हैं, प्रशासन के सूझबूझ से, वहाँ के स्थानीय लोगों के सूझबूझ से एक अप्रिय घटना टल गई, लेकिन यह टली नहीं है। निश्चित रूप से माले के लोग इस तरह की हरकत जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे लोग करेंगे। तो क्या लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? निश्चित रूप से भी यह वोट बैंक की राजनीति की जा रही है बाबा साहब के नाम पर, जो निंदनीय है। बाबा साहब सबके थे, संविधान सभी लोग मानते हैं, जो उन्होंने संविधान लिख कर गया कि इस तरह क्या कोई भी काम करने के पहले अनुमति लेनी होगी, तो आखिर अनुमति काहे नहीं लेते हैं। एक तरफ संविधान की बात की जा रही है, दूसरी तरफ संविधान का अवहेलना किया जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि आपके पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है अनुसूचित जातियों के लिए, क्या कहिएगा इसको लेकर? हम अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देंगे कि उन लोगों ने, पहले भाजपा को लोग कहते थे यह उच्च वर्ग की पार्टी है या व्यवसायियों की पार्टी है, आज यह भाजपा सब वर्ग के लोगों की पार्टी है। तो उसमें जो समाज के वंचित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है। और हम आग्रह करना चाहेंगे सीमान के सभी दलित वर्ग के लोगों से कि आइए भाजपा के इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और जहाँ तक दलित समाज की है, आप देख लीजिए आँख उठा करके, लोग कहते हैं कि शाहबुद्दीन साहब विकास पुरुष हैं, लेकिन 5 रुपये का काम किसी दल के, लेकिन किसी ने भी 5 रुपये का काम नहीं किया है दलित समाज के लिए। आपके माध्यम और हमने सांसद विकास मत से
25 लाख रुपया दे करके कलेक्ट्रेट के सामने अम्बेडकर साहब के नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करवाए हैं और 5 करोड़ रुपया खर्चा करके 3 मंजिला छात्रावास अम्बेडकर साहब का के नाम पर बनाने का काम किए हैं। तो इस तरह राजनीति लोग करते हैं करें, लेकिन किसी ने भी कोई काम उस वर्ग के लिए नहीं किया है। हम सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमने किया है। तो क्या कहिएगा जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपको मानने वाले हैं दलित समाज में, उन लोगों से आइए 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 सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएं। यह कार्यक्रम किसी एक पार्टी का जरूर है, लेकिन यह सबका कार्यक्रम है। अपना कार्यक्रम समझ करके और भाजपा के हाथों को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें, सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करें। आइए हम सब मिल करके इस कार्यक्रम में शामिल हों और इसकी उन्नति और प्रगति के लिए हम लोग काम करें। यह कार्यक्रम 11 बजे होगा और VA Michie हाई स्कूल के ग्राउंड में होगा, जहां हम 5 करोड़ रुपया ला करके CSR का पैसा, वह विशुद्ध रूप से वह सांसद विकास का मत नहीं है, लेकिन CSR का पैसा ला करके बिजली विभाग से, और हमने 3 मंजिला अम्बेडकर जी के नाम पर छात्रावास बनवाए हैं, वही यह कार्यक्रम होगा VA Michie हाई स्कूल के ग्राउंड में।